हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आपको किसी खास इंसान से मिलाने वाली हूँ, एंड वो भी बहुत दिन बाद इस घर में आई है। तो मिलिए मिस्टी से। मिस्टी, यहाँ आइए। हाँ, सबको हाय बोलो। हाय। अपना नाम तो बताओ। माय नेम इज अनिका राय। अनिका राय, ओके। एंड आप क्या लगते हो मेरे, ये तो बताओ पहले। ये आंसू की भतीजी हैं, एंड मुझे मम्मा बुलाती हैं, एंड मैं आपकी छोटी मम्मी हूँ ना। कितने साल को ये तो बता दो। मैं 8 साल की हूँ। 8 साल की, ओके। एंड ये जो 8 साल की अभी हुई नहीं है, हो जाएंगे सितंबर में, राइट? यस। हाँ, जब मेरी शादी तय हुई थी ना, तब ये 6 महीने के थी, मतलब मेरी शादी में 6 महीने के थी। एंड कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? ये तो थर्ड सी। थर्ड सी में, ओके। अभी तो आपका स्कूल बंद होगा कोरोना की वजह से, ओके। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या हम लोग मिल के ब्लॉग बनाएंगे? ओके। एंड क्या क्या करेंगे, कौन कौन सा वीडियो बनाएंगे ब्लॉग में, बताओ। बहुत सारे। जैसे कुछ तो सोचा होगा ना, आप दिन में बोल रहे थे कुछ चैलेंज करने के लिए। आपने बोला था नर्सों मेकअप चैलेंज करेंगे। अच्छा, मेकअप चैलेंज, ओके। नर्सों करेंगे, कल नहीं क्योंकि कल हम बिजी हैं थोड़ा। कल इनके भाई आ रहे हैं, सत्यम, उनका नाम सत्यम है, एंड भाभी आ रही हैं, तो कल हम लोग उनसे मिलेंगे एंड आपको भी मिलाएंगे। एंड परसों देखेंगे, मैं भी परसों फ्री रहे तो करेंगे, नहीं तो नर्सों तो पक्का ही है। मेकअप चैलेंज होने वाला है मेरे एंड मिस्टी के बीच में। दोस्तों, आज गर्मी ना बहुत ज़्यादा है, मतलब लिमिट क्रॉस गर्मी है। मैं अभी इवनिंग में नहा के आ रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग से मुझे टाइम नहीं मिला, एंड नहाने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा पसीने आया फेस पे। ये देख रहे हो आप, ये जो लाइट सा आ रहा है ना, ये सारे पसीने ही है। एंड ऊपर फैन चल रहा है, मैंने एसी नहीं चलाया है जान के, क्योंकि मुझे सरद गर्म हो जाएगा। एंड मैं अभी जा रही हूँ ग्लूकोज पीने, क्योंकि ना मॉर्निंग से मैं बहुत ज़्यादा पानी पी रही हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि प्यास लगी है। एंड मैं पानी पी रही हूँ ना, तो मेरा पेट पूरा फुल हो जा रहा है, पूरा भर जा रहा है, एंड फिर भी प्यास नहीं जा रही है। तो मैंने मुझे बोला कि ग्लूकोज पी लूँ, मैं भी इससे आराम हो जाए, तो मैं वही जा रही हूँ ग्लूकोज बनाने। दोस्तों, ये देखो मेरा जो ग्लूकोन डी है, ये रेडी है, एंड मैंने 2 चम्मच मिलाए हैं क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है इसके वजह से, एंड मैं पीती हूँ, मे बी जो प्यास है ना इससे बुझ जाए। ओके, ओ गॉड। मिस्टी, आपको पीना है? नहीं। आपको नहीं पसंद? पसंद है। अच्छा, नहीं पीना। आपका मन लग रहा है मम्मी के बिना? हाँ। अरे वाह, रह जाएंगे मेरे साथ? हाँ। मेरे साथ चलेंगे मुंबई? ये रह लेती हैं, इनके भाई नहीं रह पाते हैं, जबकि इनके भाई इनसे बड़े हैं। कितने साल बड़े हैं मिस्टी? 5 साल। अच्छा, 5 साल बड़े हैं, फिर भी बाबू नहीं रह पाते, वो मम्मी के साथ ही रहते हैं, एंड मिस्टी हमारे साथ रहती हैं। मिस्टी, चले पीछे, पीछे आपके लिए कुछ रखा गया है, सरप्राइज है। चले, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है सरप्राइज देखने के लिए। बाबा आपके लिए सरप्राइज रखे थे, ये है सरप्राइज, केला। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना आपको, ये कच्चा नहीं है, पक गया। टोके तो देखो, पके हैं। कौन सा लियो, पका लियो कि नहीं ये बताओ, ऐसे टच करो तो देखो। ओहो, हाँ ये पका हुआ है। इस साइड के जो है ना, ये पक गए हैं, उस साइड वाले पके नहीं है, अभी पकेंगे। एंड मिस्टी टेस्ट करके बताएंगे कैसा लग रहा है। कैसा है? मैंगो से भी ज़्यादा मीठा है, थोड़ा वो है, मैंगो ज़्यादा मीठा है ना। कौन सा फेवरेट है आपका, बनाना या मैंगो? कितनी खाई हो सुबह से? 3। ओके, चलिए देखते हैं दादी क्या कर रही हैं। ये देख सकते हो आप, हमारी खेत से सब्जियाँ निकली हैं, एंड ऐसा लग रहा है डब्बा खाली हो गया, धुलने के लिए रखा जाएगा। हाँ, खाली है, नल पे डाल देती हूँ, थोड़े टाइम बाद धुलेंगे। ओके, ये जो आप देख रहे हो ना, छाना जा रहा है, ये नींबू का रस इस टोकरी में था, एंड ये जो आप मिर्ची का अचार देख रहे हो ना, ये जाएगा मुंबई, सचिन आया हुआ है, उसको मिर्ची का अचार अच्छा लगा, इसलिए वो माँ को बोल के एक डब्बा बनवाया है, एंड माँ ने मिर्ची गला के रखा है, ये देंगी जाते से। एंड इधर बन रहा है छोला, कुकर में छोला है, एंड बनेगा लिट्टी थोड़े देर में। बाबा, नींबू के कितने बीज निकले हैं।
दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, ये अचार है, आम का अचार है, माँ ने डाला है इस बार। एंड इधर नींबू का अचार डाला है एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी ये अचार न्यू है, थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। आप आने में ना थोड़ा सा लेट कर दी, इसकी वजह से जो बिल्ली के बच्चे थे ना, जो आपने वीडियो में देखे थे, वो बिल्ली अपने बच्चों को उठा के एंड बहुत दूर लेके चली गई। आप कमरे से वो निकाल दी है एंड बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं। आपने ब्लॉग देखा तो बिल्ली वाले, तो आपको क्या लगा था बिल्ली का जो ब्लॉग देख के, क्या था वो? मुझे लगा था वो कंगारू के बच्चे। इत्तू से कंगारू के बच्चे? हाँ। आपको ये समझ नहीं आया कि कंगारू के बच्चे हैं, तो फिर कंगारू कहाँ है? हाँ। उसकी माँ। हाँ। मिस्टी कुछ भी समझ लेती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो मेरे बाल है कर्ली है एंड मिस्टी ने पूछा मुझसे कि ये कब से कर्ली है। आपने पूछा ना मिस्टी? हाँ। ये मेरे बचपन से कर्ली है। मेरी जो दादी है ना, उनके बाल कर्ली थे, फिर मेरे फादर के बाल कर्ली थे एंड फिर मेरे भी बाल कर्ली हो गए। एंड जो जिया मौसी है ना, उनके बाल ना पूरे स्ट्रेट हैं आपके जैसे। एंड सचिन भैया के भी तो कर्ली है, सॉरी मामा के। एंड ये जो कर्ली बाल है ना, ये जा रहे हैं कटिंग के लिए। मिस्टी इसे काटेंगी ऐसे ऐसे ऐसे, मिस्टी काटेंगी ना। पहले ये बताइए कि आपने किनका किनका बाल काटा आज? आज मैंने बाबा का काटा, आज मैंने दादी का भी काटा और आज मैंने चाचू का भी काटा। आज घर में सबका बाल कटा है, सिर्फ मामा का छोड़ के, है ना? हाँ। एंड मेरा भी नहीं कटा है, अब जा रहा है बाल कटने। एंड मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो लगेगा ना, मोर लगेगा अपने बालों के लिए, क्योंकि तो बहुत मेहनत से बढ़े हैं मेरे बाल एंड बहुत सारे झड़ भी रहे हैं, ये देखो। तो मिस्टी कैसे बाल काटिएगा एंड कौन सा हेयर स्टाइल दीजिएगा, ये बताइए मुझे। आप कौन सा हेयर स्टाइल चाहती हैं? नहीं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेकअप के बारे में या फिर फैशन के बारे में, तो एक काम करो आप ना सिंपल से खचा 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 कट कर दो। ठीक है, मैं भी देखती हूँ। पहले कैंची तो दिखा दीजिए दर्शकों को। वाह, ये कहाँ से मिला कैंची आपको? वो मुझे चिप्स में से मिला। हाँ, चिप्स में कैंची थी? और चिप्स में ये भी दिया। क्या ये क्या है? हॉर्स रेजर। ओके, ये होता क्या है मतलब, समझे नहीं। हाँ? इसे हम इरेज भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, जो हम पेंसिल से लिखते हैं। हाँ? वो इसे मिटा सकते हैं? हाँ। मुझे नहीं पता था, हमारे बचपन में ना क्या व्हाइट वाले रबड़ आते थे और उसको हम लोग रबड़ ही बोलते थे, बोलते थे कि लाओ ऐसे 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 रगड़ेंगे। और उसके पास जानती हूँ जो पेंसिल का लिखा हुआ रहता है ना, ऐसे रगड़ने से वहाँ पे ऐसे मैल जैसा मतलब हो जाता है ऊपर, फिर उसको हम लोग ऐसे पहले मारते थे, फिर ऐसे करते थे मतलब सफाई, फिर मुँह से, तब जाके वो मतलब उड़ता था, इतना जिद्दी था वो। एंड बाद में तो पेंसिल लिखना चालू कर दिया हम लोगों ने। एंड ये नए नए बन रहे हैं, इससे मैंने कभी नहीं खेला है एंड ना ही मैंने इसका यूज किया है। निकला हुआ चाहिए, इतना कटा हुआ चाहिए, इतना। और तेरे की कैंची टूट गई, तेरे बाल नहीं कटे, कैंची टूट गई, तोड़ रही है मिस्टर। नहीं, मैंने इसको ऐसे किया तो कटाना चाहती। नहीं नहीं, तोड़ रही है, ऐसे खींच रही है जबरदस्ती। तो नहीं ऐसे कर रहा हूं मैं, ऐसे देखो देखो आंसू, देखो 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 अभी देखो, ऐसे किया देखो देखो। अरे मिस्टी, यही तो किया मैंने, जो भी किया। बस बस, बहुत सुंदर कट गया मिस्टी, वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं। और तरीके सच में आंसू जा रहे हैं ट्रिम करने मिस्टी के बाद। आंसू नहीं, आंसू नहीं, नहीं 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 नहीं, आंसू नहीं नहीं करो। क्योंकि ना मिस्टी ने ना अपने चाचू के बाल उखाड़ दिए हैं, इसकी वजह से आंसू जा रहे हैं मिस्टी को पूरे के पूरे बाल निकालने, तकली करने। ओह गॉड, ए मिस्टी कटवा लो कटवा लो, थोड़े से कटवा लो। ए जीजू मेरा काट दो यार, मशीन से इसे छोड़ दो। अरे वो हां यही काट दो, गिरेगा पूरा पेड़ पे। तो जीजू कर दो ना, तो गाइस से अगला ऊपर में एकदम मस्त। नहीं 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 सचिन मत कर, नहीं एकदम गंदा कर देते हैं। आज तो मेरा एक शिकार है, कौन शिकार है? मिस्टी, मिस्टी शिकार है? नहीं। बाल कट जाएंगे मिस्टी, ये जो आपके बाल है ना ये कट जाएंगे। मिस्टी कटवा लो, आओ कटवा लो। आंसू पकड़ो 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 पकड़ो, आंसू आंसू पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जहाँ लगा मोचे थोड़ा सा, बस तुरंत वहाँ से साफ होगा। अरे बाबा रे, कितनी पतली है ना, उसके अंदर चली गई बेड के अंदर। आंसू बोल रहे हैं सचिन का बाल कट करने के लिए, सचिन जा रहा है बाल कटवाने। नहीं नहीं नहीं,
मेरी। मैं ट्रिमर को चार्ज में लगा रही हूँ क्योंकि ये चार्ज नहीं है एंड ये चार्ज हो जाएगा देन आसु बाल काटेंगे सचिन के। क्यों किससे बदला लेना है मिस्टी किससे? पर चाचू ने क्या किया? ये देखो चाचू की ये देखो चाचू कैसे पीटे जा रहे हैं। पी पी तू कोल्ड ड्रिंक पी। ओ गॉड ले जा ले जा रुक जा इसे रोक रख मेला। दोस्तों मैं किचन में आई हूँ क्योंकि लिट्टी बनेगा अभी थोड़ी देर में एंड ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना ये है मैदा, ये गूँथ के माँ रखी है, माँ फटाक से गूँथ ली। मुझे गूँथने में टाइम लगता, मैं लेके बैठती ना तो कम से कम आधे घंटे तो लगाती ही एंड माँ 5 मिनट में गूँथ ली। तो ये माँ रेडी कर दी है एंड इधर जो आप सत्तू देख रहे हो ना मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज से, उधर अंधेरा दिख रहा है एंड ये देखो ये भी माँ ही बनाई है एंड वो बहुत टेस्टी बनाती हैं। एंड इधर छोला भी बन गया है, ये देखो छोला, छोला भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है एंड स्मेल भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, ये देख सकते हो आप। ये छोला भी माँ ही बनाई है, मैंने छोला भी नहीं बनाया। अभी मैं जा रही हूँ लिट्टी भरूँगी एंड तलने का काम मैं करूँगी। दोस्तों ये देखो ये है लिट्टी एंड ये कढ़ाई में पक रहा है, ये मैदा वाला है, ये जो है ना अभी जस्ट डाला ही है मैंने एंड मैंने बहुत ही स्लो आँच किए हुए हैं ताकि ये जले नहीं। एंड एक राउंड इधर निकल चुका है, ये देखो आप, ये जो है ना बहुत ही प्यारा दिख रहा है एंड जो मैदा का लिट्टी होता है ना बहुत ही प्यारा दिखता है, इसका जो कलर है ना एकदम वाइट हो जाता है एंड वो जो वाला लिट्टी होता है ना आटे का थोड़ा सा ब्लैक में रहता है। ये देखो इसका लुक काफ़ी प्यारा लग रहा है एंड ये तो निकलना भी चालू हो गया एंड इसका यूज कर रही हूँ मैं ऑयल निकालने के लिए। सचिन के बाल काटे जा रहे हैं, आप देख सकते हो आंसू काट रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा कट गया, अभी अंधेरे में आपको दिखेगा नहीं। ओ फाइनली दोस्तों सचिन का बाल कट हो चुका है, पूरा दिखा, अच्छा लग रहा है, पीछे घूम, वाह मस्त। आंसू ने बड़े ही अच्छे काटे हैं एंड सचिन चाहे तो 2-3 तरह से बना सकता है, एक इधर से बनाया है, चाहे तो इधर से भी बना सकता है एंड चाहे तो ऐसे खड़ा भी रख सकता है। ओके इधर दिखा, इधर इधर घूम, वाह ऐसा भी अच्छा लग रहा है एंड खड़ा कर दो जरा, खड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, जेल से करता है ना? नहीं अपने आप, अच्छा अपने आप हो जाता है। ओके एंड मैं और मेरे भाई का बाल कर ली है क्योंकि पापा का भी बाल कर ली है। ओके नहीं नहीं ऐसे पलट के कर रहा है ना तो अच्छा लग रहा है, दोनों साइड चलेगा कोई भी करके देख। हाँ अब तुझे जैसा लगे तू ऐसा करके रख, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सचिन ने इस साइड बाल किए हैं, ऐसे ही रख ऐसे ही अच्छा लग रहा है, वाह स्मार्ट बन गया। जीजू आते हैं उनको भी दिखा, वाह मुझे नहीं पता था कि मेरे पति के अंदर मतलब ये भी टैलेंट है एंड छुपी पड़ी है। मैं बोल रही हूँ मेरा काटने के लिए काट ही नहीं रहा है बंदा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ब्लॉग पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।